वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण के सामने नृत्य करती महिलाओं की ये टोली त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की है। मौका है 222 सालों से चले आ रहे महारास उत्सव का। अगरतला के एक स्थानीय मंदिर में ये महिलाएं रात भर कृष्ण की प्रतिमा के आगे नाच गाकर रासलीला का उत्सव मनाती रहीं। ये सैकड़ों साल पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने की एक कोशिश भर है, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में त्रिपुरा के बंगाली और यहाँ तक कि जनजातीय समुदाय भी इन दिनों अपनी संस्कृति से दूर जा रहा है। अभी तो बहुत हिंदू मुस्लिम बहुत लोग आता है यहाँ पर, मणिपुरी और बंगाली, ये हिंदू कल्चर महाराष्ट्र लीला है उत्सव। यहाँ पर कोई जाति भेद नहीं है, ये हिंदू का महाराष्ट्र लीला उत्सव है, बहुत प्राचीन। महाराष्ट्र की ये परंपरा त्रिपुरा में 2 शताब्दी से भी पहले शुरू हुई। इसे शुरू करने का श्रेय उस वक्त के त्रिपुरा के शासक महाराजा कृष्णचंद माणिक्य को जाता है। उनकी शादी मणिपुर के राजा भाग्यचंद की बेटी से हुई, जो अपने साथ कृष्ण और राधा की मूर्तियां लाईं और उसे स्थानीय राधा माधव मंदिर में स्थापित किया, और तब से ये उत्सव शुरू हुआ। तब से लेकर हर साल इसे भव्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। राजशाही के समय से ही सरकारों का समर्थन इस आयोजन को रहा है, जो आजादी के बाद भी जारी है। किंग रिजीम, किंग रूल, दे इज परफॉर्म दिस काइंड ऑफ डांस व्हिच इज कॉल्ड रासलीला लीला। इट वाज परफॉर्म होल नाइट एंड इट वाज रियली परफॉर्म बाय आवर मणिपुरी पीपल, मणिपुरी कम्युनिटी। इट्स नो, मणिपुरी पीपल आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी फेथफुल, दे आर हार्ड वर्किंग एंड देयर गुड आर्ट्स एंड देयर डेली फेथफुल टू द ट्रेडिशन एंड कल्चर। इट इज ऑल नो एंड मणिपुरी मेटे स्पेशली दे आर वेरी स्ट्रांग कल्चर, दे रियली प्रिजर्व एंड मेंटेन देयर ओन ट्रेडिशन। सो इट वॉज ऑलरेडी 222 years कंटिन्यू दिस रास लीला एंड इट इज ऑल एवरीबडी अप्रिशिएट देम। राधा गोविंद नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की ही एक शैली है, जो रासलीला के इस खास मौके पर देखने को मिलती है। सैकड़ों सालों से ये उत्सव मणिपुरी समुदाय के बीच प्रेम और सौहार्द बांट रहा है। इस अमूल्य परंपरा के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।